हेलो गाइस वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस टुडेज आर टॉपिक इज़ लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन हमने पहले वाले टॉपिक में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि लाइट जो है वो टू फिना पे डिपेंड करती है फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन एंड एनदर वन इज रिफ्रैक्शन तो रिफ्लेक्शन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी एंड फॉल होएगी एक प्लेन सरफेस पे देन इट विल मूव बैक इन टू द सेम मीडियम विथ सर्टेन डायरेक्शन तो वो तो हो गया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होगा कि रिफ्लैक्शन भाई सपोज एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है नॉर्मल वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है नॉर्मल वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है दैट इज थ्री इन टू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ये हो गई अब जब वो ट्रेवल करेगी नॉर्मल वैक्यूम मीडियम में और सडनली उसका जो ट्रैक है वो चेंज हो जाता है यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है तो वो अपने आप अपने पाथ से क्या हो जाती है डेविएट हो जाती है यानी कि चेंज कर लेती है अपने पाथ को तो उसको बोला जाता है दैट इज रिफ्रैक्शन नाउ वॉट एग्जैक्टली अब ये होता कैसे है यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाएगी तो वो कैसे पॉसिबल होगा तो इसके लिए फर्स्ट इज वेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर अब आप बोलोगे मैम रेरर मीडियम का मतलब क्या रेरर मीडियम का मतलब बच्चों की जो खाली पड़ा हुआ मीडियम यानी कि हॉलो है एंड डेंसर का जो भरा हुआ है सिंपल सी बात करें तो हम भरा हुआ मीडियम डेंसर मीडियम खाली मीडियम रेयरर मीडियम तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयरर मीडियम फॉर एग्जांपल हम बात करें रेयरर मीडियम की तो रेयरर मीडियम का आप एग्जांपल ले सकते हो रेयरर मीडियम होता है एयर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तो एयर इज द रेयरर मीडियम सपोज एंड डेंसर मीडियम कौन सा हुआ लिक्विड वाला मीडियम मान लो ग्लास का मीडियम आप ले सकते हो तो वो कौन सा मीडियम हुआ वो दैट इज डेंसर मीडियम अब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है जहाँ पे ये फॉल होगी उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाती है नाउ व्हाट बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये आप बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि मैम रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड कहाँ करेगी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी कि क्या कैसे मूव करती है और कैसे बेंड करती है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा रेयर टू डेंसर में जब जाती है यानी कि एयर से जब लिक्विड में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो इट विल बेंड टूवॉर्ड्स द नॉर्मल कहाँ पे बेंड करेगी इट विल बेंड टॉर्ड द नॉर्मल यानी कि ये तो ये क्या हो गई इंसिडेंट रे ये क्या हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या हो गई नॉर्मल रे सिंपल सी बात है कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से मीडियम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी इट मींस रेयरर टू डेंसर में जाएगी इट विल बेंड टूवॉर्ड्स द नॉर्मल सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसर टू रेर की बात करें तो डेंसर से रेरर मतलब सिंपल सी ट्रिक बताई मैंने आपको क्या ट्रिक होगी वो कि डी ए आर डर यानी कि डेंसर से रेरर तो क्या हो गया डी ए आर डेंसर टू रेरर मतलब क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे from द नॉर्मल हमेशा याद रख लेना ये दो ही कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों की कंफ्यूजन होता है तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द दे नॉर्मल डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे बताएं देखो कि सपोज ये हो गया लिक्विड वाला मीडियम जिसको आप कह सकते हो वाटर है ना वाटर वाला मीडियम तो वाटर के मीडियम से जब रे ऑफ लाइट जाती है तो इसके यहाँ पे सरफेस पे फॉल करी और यहाँ से क्या बनाया परपेंडिकुलर बनाया परपेंडिकुलर बनाती ही अब ये मीडियम कौन से मीडियम में आएगी दैट मीडियम इज एयर मीडियम यानी कि कौन सा रेरर मीडियम तो रेयरर मीडियम में आती इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि ये कौन सी हो गई इंसिडेंट और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड यानी कि ये कहाँ से नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है ये कौन सी हो गई नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है तो ये क्या हुआ डेंसर टू जब रेयर में कोई भी लाइट एंटर करती है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो दीज आर द टू फिनमिना ऑफ द रिफ्रेक्शन नाउ नेक्स्ट कम टू द पार्ट दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन अब लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन क्या होगा बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं क्वेश्चंस रहते हैं मैम एग्जैक्टली व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो फर्स्ट लॉ हम बात करें तो फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली सेम है रिफ्लेक्शन के जैसा कैसे कि फर्स्ट लॉ जो है दैट इज इंसिडेंट रे आई आर इज फॉर इंसिडेंट रे एन आर फॉर नॉर्मल रे आर आर फॉर रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन अगर बात करें जाए एक पेज की तो पेज में मीडियम सेम रहेगा और उसी में इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे सारे की सारी तीनों जो रेज हैं वो एक ही मीडियम में लाई करेंगी तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ना बात की जाए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तो हमेशा बच्चों द रेशो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्स्टेंट हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि साइन आई यानी कि आई जो है नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर रिफ्रेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सो साइन आई अपॉन साइन आर द साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है एंड दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ और ये स्नेल्स लॉ बहुत ही इजी तरीके में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दैट इज जो जल्द ही आप लोगों के पास में आएगा एंड प्लीज़ बेटा Uh, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये बहुत बहुत बच्चों के डाउट रहता है मैम रेयर टू डेंसर में जाएगी तब क्या होगा डेंसर टू रेयर में जाएगी तब क्या होगा तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया कि रेयर टू डेंसर याद रख लेना डर डी ए आर यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड रेयर रेयर टू डेंसर दैट इज़ टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल Thank you. Thank you so much.